अगला क्वेश्चन देख लें। दिया हुआ है इफ़ अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विद द एम्पलीट्यूड, उसकी एम्पलीट्यूड दे रखी है 50, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 50 mm, एंड टाइम पीरियड दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले अच्छा होगा। अब मीटर में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, मीटर 1000, ओके ना, 50 × 10⁻³ मीटर, इट मीन्स 203 का 10 उसका काउंट होगा, तो ए इज इक्वल टू 0.05 मीटर, ओके। अब जो बोला टाइम पीरियड उसका दे रखा है, टाइम पीरियड कितना 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड। अब पूछा देना मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वेशन में क्या लिखते हैं, वी बराबर जब वी मैक्स होता है तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू 2π/T और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उस केस में 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्स 0 हो जाएगा, तो वी मैक्स होगा 2π/T इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स ए अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो मतलब ए बाहर निकलेगा तो 0.05, और सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू पुट करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी मैक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2π, 2 से 2 कैंसिल करें तो अपने पास 0.05 इंटू पाई, ओके, 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेट, तो आपका आएगा 15 या 16 के अप्रॉक्सीमेट, इट मीन्स 0.16, ओके, मीटर पर सेकेंड, आपके ऑप्शन में देखो होगा 0.16, तो ऑप्शन आपका डी आता है